तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है, और कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए भी, जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का, हम लोगों ने नहीं देखा। डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं शुभ आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और इस दौरान उन्होंने किसानों को लेकर कई सारी बातें कही। आपको बता दें कि वो इस दौरान भी सीएम नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़े करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने एक बार फिर से सीएम नीतीश को घेरते हुए ये कह दिया कि पिछले 15 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों को भिखारी बनाने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करने की बात कही और ये भी कहा कि हम लगातार बिहार के किसानों के साथ हैं, इसी को लेकर हम गोष्ठी भी कर रहे हैं और आगे आंदोलन भी लगातार करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव किसानों को लेकर और क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया, और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को ही बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। व्यवसायियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा, और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है, और वहां अगर आप UPMC को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है, और कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, MSP को लीगलाइज किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का, उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहाँ बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलियाँ हैं, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। यही केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे। क्या MSP खत्म करके जो किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे। किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान की अगर न्यूनतम अगर समर्थन मूल्य अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीदारी होगी, 800, 900, 1000,
ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से कुछ नहीं, लोग तो एक से एक बयानवीर हैं, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया है। इसलिए हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी के जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिला वार हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर नेता उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हम लोग